चढ़ा हुआ है बुखार। जीत को बहुत तेज बुखार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। ये मेरे लिनन का सूट था, मौसम चेंज हो गया था तो मैंने रख दिया था, लेकिन अभी मैंने फिर निकाला है, मैं बना रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने गांव जाना है और गांव में बहुत सर्दी होती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये वाला सूट बना के ले जाती हूँ। पिछली दफ़े मैं लोन के कपड़े लेके गई थी तो उधर मुझे बहुत सर्दी लग रही थी क्योंकि वहाँ पे अभी मौसम जो है ना चेंज नहीं हुआ, वहाँ पे अभी तक सर्दी ही चल रही है। और ये मैं लैस लेके आई थी वो मैंने लगाई है, ये बच गई थी तो मैंने गले पर लगाई है और थोड़ी सी बीड्स लगा के मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इसकी कर ली है। अभी हम गांव के लिए निकल गए हैं। जईद की नेक्स्ट वीक में भी जो है ना दो छुट्टियां आ गई थी, दो तो नहीं थी, तीन थी। तो जईद जो थे वो बड़े खफा थे, कह रहे थे कि मेरा दिल कर रहा है मैं गांव जाऊं, लेकिन ये कि महीने में दो चक्कर जो होते हैं ना वो हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। आपको पता है इतनी महंगाई है और फिर आने जाने में भी इतना ख़र्चा होता है। तो लेकिन जब मैंने जईद को देखा तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है चले जाते हैं, और हम लोग फिर निकल पड़े। पिंडी में जो मौसम था वो बहुत अच्छा था, और जो है ना क्योंकि धूप वगैरह निकली हुई थी, मेरी हल्की हल्की गर्मी भी शुरू हो गई थी। और जब हम लोग रास्ते में चल पड़े और मरी के रास्ते पे हुए तो घर से जईद जो है ना कोई स्वेटर वगैरह भी नहीं पहन के गए थे। हमने कहा रास्ते में तो इतना मौसम ठीक होगा, वहाँ जाके सर्दी होगी, तो वहाँ जईद की जैकेट भी पड़ी हुई है और स्वेटरें भी वहाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन हम लोग निकल पड़े ऐसी। लेकिन हमें नहीं पता था कि रास्ते में जो है ना एकदम ठंडी ठंडी हवाएँ शुरू हो गई और जो है ना बहुत मौसम ख़राब हो गया था। रास्ते में इतनी ठंडी हवाएं थी और साथ साथ गहरे गहरे बादल भी आ रहे थे, एकदम जईद की तबीयत जो थी वो ख़राब होना शुरू हो गई थी। जईद को बुखार ने जो है ना घेर लिया, क्योंकि जो जईद हैं ये सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि इनको थोड़ा मसला है जिसकी वजह से इनको सर्दी बहुत जल्दी लगती है। मैं थोड़ी सी परेशान हो गई और जो है ना पछता भी गई, मैंने कहा अगर जईद जैकेट नहीं रख रहे थे तो मैं ही रख देती उनकी, मुझे चाहिए था रख लेती। और बस फिर हम लोग जो है ना पूरे रास्ते में मुझे जईद की टेंशन ही रही है कि अब क्या होगा। साथ साथ जो है ना मैं YouTube को एंजॉय कर रही हूँ, मुझे जो चैनल बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर मैं रास्ते में जो है ना उनकी वीडियो भी देखती जा रही हूँ और साथ साथ जो है ना मौसम को भी एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन जईद की टेंशन भी ले रही हूँ। अभी हम लोग गाँव पहुँच गए हैं और मैं जो है ना रास्ते में फूलों को देख रही थी, इतने प्यारे फूल थे, एकदम जो है ना फूलों को देख के ना बंदा जो है ना दिल खुश हो जाता है। मैं वैसे भी जब गाँव में दाखिल होती हूँ तो ये ग्रीन ग्रीन देख के ना मेरा दिल जो होता है वो बाग बाग हो जाता है, लेकिन जईद की तबीयत बहुत सख्त इस टाइम ख़राब थी
और इसलिए मैं जो है ना ये फूलों को देख रही थी, क्योंकि जहीद इधर बैठ गए थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि उनके एकदम जो है ना उनको तेज़ बुखार हो गया था। और मैं परेशान हो गई कि जो है ना हम लोग गाँव भी पहुँचाए, और मैं जहीद को कहती हूँ कि हम लोग वापस ना चले जाएँ, क्योंकि मैं जब यहाँ आती हूँ जहीद बीमार हो जाए तो फिर मुझे टेंशन लगी रहती है, क्योंकि हॉस्पिटल दूर है। तो मैं कहती हूँ जब इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन जहीद जो थे वो तो आपको पता है गाँव के दीवाने हैं, तो वो कहते हैं नहीं। और हम शाम से थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं तो देखें कितने गहरे बादल हैं। अभी बारिश शुरू नहीं हुई है लेकिन हवाएं बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और मुझे टेंशन लगी हुई थी कि कहीं जो है ना जहीद का बुखार तेज़ ना हो जाए। जहीद को चढ़ा हुआ है बुखार जहीद को बहुत तेज बुखार है, और भाई लगी हुई है बारिश, इतनी तेज बारिश, इतनी तेज। ये देखिए भाई बारिश शुरू हो गई, वो पंधेरा है। ये देखिए शदीद बारिश भी है, और जो है ना बिजली भी चमक रही है, बिजली जाने का भी खतरा है। ये अभी सुबह का टाइम है और मैं उठी हूँ, और सबसे पहले मैंने कहा जाके, जब हम पिछली दफ़ा आए थे, बल्कि उससे भी पिछली दफ़ा आए थे, तो हम लोगों ने जो है ना थोड़ा सा काम करवाया था जो मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया था। हम लोगों ने पानी का बंदोबस्त किया था क्योंकि हमारे घर में पानी नहीं था, तो हम लोगों ने जो है ना पीछे फिटिंग करके टैंकी रखी है, क्योंकि टैंकी रखने की कोई जगह नहीं थी, तो हमने फिर बैक पर टैंकी रखी और ये यहाँ से सारी फिटिंग करके हम पानी ले के आए थे। लेकिन अभी हमारे नलके वगैरह नहीं लगे हुए थे, लेकिन फिर भी एक मेन वॉल था, वहाँ से जो है ना बाल्टी वगैरह भर लेते थे, तो वो जो है ना यहाँ से वॉल बंद था, तो वो वॉल खोलने आई थी मैं, चल के पीछे बैक साइड पे आई और मैंने वॉल खोला है, क्योंकि जो है ना टैंकी जो है वो बैक साइड पे है। किचन की मेरी प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई कोई मानता ही नहीं होगा ये वाला मेरा किचन है, पिंडी का किचन, और इस किचन में कितना फ़र्क है, वहाँ पे मैंने कितना डेकोरेट किया हुआ है और इसको अभी इसी तरह छोड़ा हुआ है। बस इसकी कुछ वजूहत हैं जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वे लॉग में बताऊँगी कि इसकी क्या वजूहत है। लेकिन ये कि साथ साथ में वीडियो लाजमी बनाती होती हूँ क्योंकि मुझे पता हो कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। जब मेरा इंशाल्लाह ये किचन सेट हो जाएगा तो फिर मैं ये वीडियो देखूंगी कि पहले मेरा किचन का ये हाल था। साथ मैंने नाश्ता बनाया है अपने लिए और जहीद के लिए, ब्रेड लेके आई हूँ वो गर्म करने लगी हूँ, चाय बनाई है, और नेक्स्ट दफ़ा जब आऊँगी तो इंशाल्लाह जो है ना इसके लिए पर्दा लेके आऊँगी कि मैं सारा यहाँ पर्दा लगा लूँ ताकि कुछ चीज़ें जो है ना इस पर्दे के पीछे छुप जाएँ और कुछ मेरे जो है ना किचन की हालत कुछ बेहतर लगना शुरू हो जाए। क्या समझे मुझे इतना दिल तंग पड़ता है इस किचन को देखती हूँ, अंदर भी मेरा जो होता है ना चीज़ पकाने को दिल नहीं करता। मेरी शुरू से आदत ये है कि जो कमरों के अंदर चूल्हे रखे होते हैं ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पे मेरी मजबूरी बन जाती है क्योंकि यहाँ पे बरांडे में बहुत सर्दी है, तो इस वजह से फिर जहीद को भी सर्दी लगती है, तो मैं चूल्हा अंदर कर लेती हूँ कि कहती हूँ कि चलो साथ कमरा भी गर्म हो जाएगा और
साथ जो है ना मेरा खाना पकाना भी हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। यहाँ अलमारियाँ बनवानी है मैंने, किचन में कैबिनेट वगैरह सारे बनवाऊंगी इंशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, एकदम कुछ भी नहीं होता है। और लेकिन ये कि अगर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाओ तो अल्लाह साथ देता होता है, अगर आप लोग कदम ना उठाओ तो फिर अल्लाह साथ कभी भी नहीं देता है, क्योंकि हर काम शुरू करने के लिए कदम उठाना पड़ता है। से ऐसे लेटे हुए हैं। हाँ जी साहब, आप कैसी तबीयत है? सही हूँ, ठीक ठाक। मैं भी सही हो गया। सच सच बताए? सही हो गया। मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है तो हम चले जाते हैं वापस, तो ये कहते हैं कि ठीक है जान। आई आई आई, इतना तेज़ बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है। अभी बारिश रुकी है, सुबह का टाइम है, आज फिर पूरी रात बारिश थी। जब से मैं आई हूँ यहाँ पे बारिश, और जहीद की तबीयत बहुत सा ख़राब, जहीद अंदर लेटे हुए हैं और बाहर इतनी तेज़ बारिश कि मैं बाहर निकल ही नहीं सकी, ना कोई वीडियो बना सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। ये देखें कितने गहरा, इतनी मैं तो यहाँ आके पछता नहीं आना था। बस असल में जहीद की दो छुट्टियाँ थी, तो जहीद कहते हैं कि गांव जाते हैं, आपको जैसे कि पता है जहीद को गांव बहुत पसंद है, इस वजह से बहुत शदीद जहीद की बहुत सख्त तबीयत ख़राब। फिर जहीद की तबीयत ठीक हुई या नहीं हुई है फिर मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में बताऊँगी। और मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। हम याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।